Hello students and welcome to Pradeep sir classes as BSc. और आज हम लोग start करेंगे question number 8, 9, 10, 11. Okay, so देखिए जो vector का जो chapter है 1 से लेकर 7 तक complete है, आप देख सकते हैं. और 12th standard के लिए chapter 29 electric field and potential सभी numericals complete है और chapter 30 भी complete है, सो आप लोग देख सकते हैं. चलिए क्वेश्चंस लिखिए जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए. ये जो चैप्टर है, चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का चैप्टर है, मतलब चैप्टर में सिर्फ वेक्टर ही नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन, कुछ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस भी है और सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह बहुत सारा, मतलब न्यूमेरिकल्स जितना सारा है फिजिक्स के लिए वो न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है देखिए, एक कैरम बोर्ड 4 फीट बाई 4 फीट का है, हैज द क्वीन एट द सेंटर. ओके, सो पहले तो एक कैरम बोर्ड ड्राइंग करना पड़ेगा और उसका लेंथ और ब्रेथ जो है ये 4 फीट का है, 4 फीट बाई 4 फीट. ओके, सो 4 फीट बाई 4 फीट का है और क्वीन इज एट द सेंटर, सोचिए वो है, ठीक है. सो अलोंग दिस इज अ स्ट्राइकर है यहाँ पर, ठीक है. तो कैरम बोर्ड 4 फीट हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स इन द फ्रंट एज. सो ये फ्रंट एज है और ये जो क्वीन है, सो क्वीन यहाँ से टकरा के फिर यहाँ पर जो पॉकेट है, इस पॉकेट में ये इस होल पर घुस गए, ठीक है. सो अलोंग दिस डायरेक्शन आप सोच सकते हैं कि ये मिडिल पॉइंट पर है, मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन आप सोच सकते हैं. सो यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का दूरी है, ठीक है. 2 फीट मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 फीट का है, 2 फीट का है. सो ये वो यहाँ पर एक नाम दे दीजिए, ए ए, और ये बी है, और यहाँ पर एक दे दीजिए डी है, और ये ई लिख दीजिए, ठीक है. तब देखिए अगर थीटा होगा तब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा ये थीटा बनेगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर टकरा के यहाँ पर आ गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, ठीक है. सो दिस इज थीटा मीन्स दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड यहाँ पर एक नेम दे दीजिए ओ एफ. सो एक क्या निकलना पड़ेगा, ओ ए, और यहाँ से यहाँ तक ओ बी. सो कैरम बोर्ड हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स इन फ्रंट एज एंड रिबाउंड एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर. ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज. क्वीन टू द सेंटर एज मतलब वो ये क्या होगा वो बताना पड़ेगा, एक नंबर. सेकेंडली फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज टू होल मतलब ए बी, और क्या है, और फ्रॉम द सेंटर टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल मतलब ए ओ बी. सो ए बी क्या होगा, ओ बी क्या होगा, ए तीनों जो है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो देखिए ओ ए क्या होगा, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का दूरी है, 2 फीट क्योंकि टोटल जो साइड से 4 फीट का है, सो 2 फीट पता नहीं चलेगा ये क्या होगा. सब यहाँ पर एक जी नाम दे दीजिए जी. सो ए जी क्या होगा, लेट ए जी इक्वल टू, लेट ए जी यहाँ को एक्स लिख दीजिए, ठीक है. तब ए जी अगर एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स है, तब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 फीट माइनस ऑफ एक्स होगा, ये होगा कि नहीं,
ठीक है, तभी ट्राइंगल में टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा तब क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 2 - x / 4 फीट, और क्या लेना पड़ेगा, इस एंगल से भी टेन थीटा लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा मतलब होगा ए बाई ए करना पड़ेगा, मतलब एक्स बाई टू करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मगर थीटा तो इक्वल ही है, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, और ए का थीटा होगा तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो क्या मिल रहा है इसमें, देखिए 2 - x / 4 इक्वल टू एक्स बाई टू, फिर ये 2 कट दीजिए, और 2 - x इक्वल टू 2x, मतलब 3x इक्वल टू 2, और x मतलब 2/3, ओके। सो x इक्वल टू मिल गया 2/3, x इक्वल टू 2/3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2/3 है, और ये है 2 - x, 2 - x मतलब ये जो साइड ए ई क्या होगा, ए ई होगा 2 - x, मतलब 2 - x मतलब 2/3, और ये बन जाएगा 3 × 2 = 6 होगा, 6 - 2/3 मतलब 4/3, ओके 4/3 होगा, ठीक है 4/3। सो ज़रूरत है ये वाला ओ ए, ठीक है ओ ए चाहिए, ठीक है। तब ओ ए क्या होगा, देखिए ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा, तब पाइथागोरस में क्या मिलेगा, ये स्क्वायर इक्वल टू 2² + x² सो मिलेगा 2² + x, x मतलब 2/3, 2/3 और होल स्क्वायर करिए इसको, सब 2 × 2 = 4 इसमें मिलेगा, यहाँ पर लिखिए 2 × 4 + 2 × 4 / 9, सो रूट ओवर ऑफ दिस, और आपको 36 + 4 / 9, सो रूट ओवर ऑफ 1/9 मतलब 1/3, और यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 40 मिलेगा, 40 मतलब 10, तब 2/3 रूट ओवर ऑफ 10 फीट, ओके मिल गया एक आंसर। सेकेंड जो आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ये मिटा कर यहाँ पर लिख दूँ, ए बी इक्वल टू, सो ए बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4² + ए मतलब 4 बाई 3 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, सो 9 और रूट ओवर ऑफ 9 एलसीएम बन गया इसका, 4/3 था, x 2 - 2/3 मतलब 4/3 था शायद, ठीक है 4/3 था, तो सो 6 × 9 = 4 और 144 + 16, सो रूट ओवर ऑफ 10, 5 और 6 होगा यहाँ पर, मतलब 160/9, तब नीचे ऊपर 16 मतलब 4 ले लीजिए और रूट 10 छोड़ दीजिए और इसमें 3 ले लीजिए, सो 4/3 इंटू रूट 10 रूट ओवर ऑफ 10 फीट। सो यहाँ से यहाँ तक और ये जो डिस्प्लेसमेंट वो मिल गया 2/3 10, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, ठीक है, तब ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2² + 2² मतलब 4 + 4, सो 8 होगा, मतलब 2√2 फीट, ओके। सो 2√2 फीट ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, देखिए समझ में आएगा शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है फिर से लिख लीजिए एक बार, 8-9 का देखिए, एक मॉस्क्वीटो नेट है यहाँ पर, और मॉस्क्वीटो नेट का जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लेंथ में क्या होगा, ब्रेथ में क्या होगा, हाइट, वो सभी दिया हुआ है इसमें,
सो लेंथ ब्रेथ मॉस्क्वीटो नेट है, ये मॉस्क्वीटो नेट ओवर ए सेवन फीट, सेवन फीट। सो ये बेड जो है, ये बेड है, बना लीजिए पहले एक नेट बना लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया एक नेट, फिर ये सेवन फीट का है, सेवन फीट और बाई फोर फीट, मतलब ये फोर फीट है और हाइट है, जो हाइट है सॉरी ये फोर फीट है, क्योंकि ये बेड है और इसके ऊपर जो लेंथ होगा ये मतलब सॉरी ये फोर फीट नहीं है, फोर फीट यही है, ठीक है, क्योंकि ये बेड है सेवन फीट बाई फोर फीट, तो ये फोर फीट है। फिर सेवन फीट और फोर फीट के बाद हाइट जो होगा वो थ्री फीट का हाइट है, ठीक है। तो ये मॉस्क्वीटो नेट ओवर सेवन फीट इंटू फोर फीट इज थ्री फीट हाइट है। द मॉस्क्वीटो हैज ए होल एट वन कॉर्नर, मतलब यहाँ पर एक होल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक मॉस्क्वीटो घुस गया इसमें, और ये मॉस्क्वीटो जो है वो बाहर हो गया इस एंगल पर, मतलब ऑपोजिट एंगल। देखिए एक रूम है, तब रूम के उस जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो सोचिए, लॉन्गेस्ट डायगोनल देखिए, ये अगर रूम है ये, तब यहाँ से यहाँ तक एक फेस डायगोनल है, ठीक है, मतलब यहाँ से लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो लेना पड़ेगा। तब मॉस्किटो का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये मिल जाएगा क्या करके, रूट ओवर ऑफ लेंथ स्क्वायर, फिर ब्रेथ स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फिर थ्री स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रूट ओवर ऑफ 49 प्लस 16 प्लस 9, और ये ऐड करके क्या मिलेगा, नाइन नाइन और एक 15, 15 नाइन जा 24, 24 मतलब 4 और 4 5 7 से रूट 74 फीट, ठीक है। तब लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो डिस्प्लेसमेंट बन गया मॉस्क्वीटो, जिधर मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्क्वीटो फ्रॉम दिस टू दिस होल, ओके। फिर क्या करना पड़ेगा, टेकिंग द होल एज द ऑरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द वर्टिकल इज जेड एक्सिस। तो इस लाइन को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस है और बेड जो है, अगर सोचते हैं ये बेड है, तब इस दिशा में आपको वाई लेना पड़ेगा, वाई मतलब फोर फीट और थ्री फीट का किधर है इस डायरेक्शन में, तो ये जेड ले लीजिए, ठीक है। और इसको एक वेक्टर में बनाइए, सो पोजीशन वेक्टर, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है तो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, मतलब सेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री सॉरी फोर जे कैप होगा, क्योंकि वाई एक्सिस फोर और थ्री के कैप होगा। सो ये पोजीशन वेक्टर बन गया इस वेक्टर का, तब कंपोनेंट बन गया सेवन फीट, फोर फीट एंड थ्री फीट अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो सेवन फीट, फोर फीट एंड थ्री फीट आर द कंपोनेंट्स, आर द कंपोनेंट्स, आर द कंपोनेंट्स, आर द कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अभी एक आंसर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया इसमें, वट इज़ द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, मतलब मगर मॉस्किटो यहाँ से घुसा और इधर एग्जिट कर गया इस डिरेक्शन में, ठीक है, इस होल पर, तब मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट होगा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, मतलब ए स्क्वायर करने से देखिए एक फेस डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है, फिर ए और ए स्क्वायर करने से ये मिल जाएगा, मतलब रूट ओवर अब पूरा करना पड़ेगा। और जिसको पता है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, सेवन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, वो तो ईजी हो जाएगा और भी, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़िए, तब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है, 10 क्या है देखिए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, सोचिए ए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तब सपोज ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट सोचिए यहाँ से यहाँ तक 4.5 यूनिट है, ठीक है,
ये 4.5 यूनिट है और अलोंग द डिरेक्शन ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तब ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर। व्हाट इज द वेक्टर 3a? 3a मतलब एक हो गया 3a, तब a हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर 2a हो गया, फिर 3a, मतलब यहाँ तक जाना पड़ेगा 3a, और 3a वेक्टर हो जाएगा 3 × 4.5, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 13.5 यूनिट, मगर डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ, ड्यू क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू नॉर्थ, ओके, हो गया। फिर क्या करना, माइनस फोर, तब तो इस साउथ में आना पड़ेगा सब, 1, 2, 3 फिर 4, 4a बन गया 4a, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 × मैग्नीट्यूड 4.5, मगर डायरेक्शन देना पड़ेगा, सो दिस यूनिट तो मैग्नीट्यूड बन गया और इसका डायरेक्शन होगा ड्यू साउथ लिखना पड़ेगा, तब 4, 5 = 0, 16, 18, तब 18 यूनिट ड्यू साउथ, ओके, सो 18 यूनिट ड्यू साउथ। नेक्स्ट 11, देखिए 11 का क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए, समझ में आ रहा है शायद आपको, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिए कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 m and 3 m, ओके, द एंगल बिटवीन देम इज 60 degree, ओके, ठीक है, लिख लीजिए पहले 2 m and 3 m, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, सो सोचिए ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है और बीच का एंगल है 60 degree, ओके, देखिए सिंपल सा प्रॉब्लम है, 60 degree, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, स्केलर मतलब ए डॉट बी इक्वल टू, पता है आपको ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा जो है, ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए और बी का बीच का जो एंगल है 60 degree, वो लिखना पड़ेगा, सो ए वेक्टर इक्वल टू क्या, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 2 and 3, सो 2 × 3 और cos 60 degree, ठीक है, तब 3 × 6 × cos 60 का वैल्यू क्या है, साइन हाफ, सो 3, सो 3 यूनिट होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, सो ए डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेना पड़ेगा, सो ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या पूछा गया है इसमें देखिए, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, सो इसका मॉड मतलब ये डायरेक्शन हटा दीजिए, ठीक है, तब ए बन के मैग्नीट्यूड, सो ए 2 × 3 × sin 60 degree, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, सो दिस इंटू √3/2, सो हट गया 3√3 यूनिट, सो 3√3 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये तो एरिया है, पता है ये एरिया है, ए क्रॉस बी मतलब ए एरिया बन गया, ए क्रॉस बी मतलब, ठीक है, तब एरिया जब है प्रोडक्ट का तब इसका यूनिट आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर दिया हुआ है ये मीटर है, तब 2 m दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लिखिए मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस, प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ पर लिख दिए मीटर स्क्वायर, सो 3 m² and √3 m² इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कंटिन्यू योर स्टडी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू।